नमस्कार, मैं ईशा शर्मा स्वागत करती हूं आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए देखते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। जानलेवा संक्रमण, कोरोना से जूझ रहे भारतवर्ष में जनता लगातार सरकार का सहयोग करने को आगे आ रही है। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार सरकार की आर्थिक मदद कर रहा है। इसी क्रम में आज सितारगंज के गांव डोहरा ने सहयोग स्वरूप प्रधानमंत्री राहत कोष में धनराशि दान की। ग्राम प्रधान डोहरा की पहल पर ग्राम सभा के लोगों ने 51,111 रुपयों का डिमांड ड्राफ्ट उप जिला अधिकारी विवेक प्रकाश को सौंपा। मीडिया से बात करते हुए जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह राणा ने कहा कि वर्तमान समय में देश एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर किसी का कर्तव्य बनता है कि वह यथा योग्य सरकार की सहायता करे। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा के जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ ही अन्य लोगों ने सामूहिक रूप से यह धनराशि प्रधानमंत्री फंड में दी है। उन्होंने कहा कि देश के लिए की गई आर्थिक मदद कोई दान नहीं है, यह सभी का कर्तव्य है कि संकट की इस घड़ी में अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। उप जिला अधिकारी ने बताया कि ग्राम सभा डोहरा के लोगों ने अन्य आर्थिक सहयोग देने की बात पेशकश की है। उन्होंने इसे सराहनीय काम बताते हुए दानदाताओं से अपील की है कि वे आर्थिक सहयोग देने के लिए कार्यालय में आने से बेहतर ऑनलाइन ट्रांसफर या NIFT के माध्यम से सहयोग करें। उन्होंने कहा कि देश में लगातार फैलते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सामाजिक मेलजोल को कम करने का प्रयास करने से ही देश को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निजात पा सकता है। निवासी हैं और हम सभी लोगों ने मिलकर पीएम केयर्स के लिए चंदा इकट्ठा किया। ग्राम सभा डोहरा ने हमें पूरा सहयोग दिया है और ये इसकी कुल धनराशि 51,111 रुपये जो हमने आज SDM के माध्यम से प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किया है। और ये हालांकि जो और दानकर्ता हैं उनकी अपेक्षा बहुत छोटी धनराशि है, लेकिन हम इसको धनराशि को ना देखते हुए हमारे ग्राम सभा डोहरा के जो निवासी हैं, जो मूलतः ज़्यादातर लोग छोटे किसान हैं या किसान के जो मजदूर हैं, उन लोगों ने दान किया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी से निवेदन है कि ये धनराशि को PM केयर्स में जमा करने की कृपा करें और समस्त ग्राम सभा डोहरा निवासियों को इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये COVID-19 के जो संग्राम चल रहा है, जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए और बिना संघर्ष कर रहे हैं कि हम इस महामारी को हरा सकें और हम जीत जाएँ, इसके साथ इसी क्रम में लोगों ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा लोगों ने 51,111 दिया है और ये बहुत सराहनीय कदम लोगों का जनता का सहयोग इस तरह है। और फिर मिलेगा उसको, हम प्राइवेस्टर जो है साथ को हाथ बुला देंगे, उसको PM के फंड में दिया है, पहुँच चला जाएगा, पहुँच जाएगा। दो लोग चेक दिए हैं और एक स्कूल से भी फोन आया था, एसोसिएशन दिया है और दिए हैं लोग, एक स्कूल से भी फोन आया था कि हमें देना, हमको है मिलना है। हमको ठीक है, मिलना तो नहीं होता है इसमें, तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है। मेरा सभी से अनुरोध है कि जो भी आपका है वो एक इसको ड्रॉप कर दें, आप उसमें नंबर दिया हुआ है NFT कर दें, RTGS करें, सीधे राइट फंड में करें, पैसे देने अच्छा रहता है, सीधे पहुँच जाएगा। यहाँ पर जो बीमारी है वो पेपर से भी फैलती है, बहुत से केसेज ऐसे भी आए जो कि फाइलों से पेपर से फैले हैं, तो ये भी एक सोशल डिस्टेंसिंग बात की जाती है, पेपर से पेपर यूज किया जाए, टच कम रहा है, आदमी का संपर्क कम से कम रहे तो अच्छा रहेगा ये लापरवाही बीमारी के लिए। बाकी लोगों को संघर्ष करना है कि इस बीमारी खत्म करना, जल्दी से खत्म करना है देश से अपने।